तो ये है मेरी नई नवेली स्पोर्ट्स बाइक। यस गाइस, और इसे कोई नॉर्मल या फिर सस्ती सी स्पोर्ट्स बाइक समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। ये बहुत ही तगड़ी हैंडलिंग वाली और बहुत ही अच्छी खासी स्पीड वाली तगड़ी सी स्पोर्ट्स बाइक है, जिससे मैं भाई आया हूँ लॉस सैंटोस के बीच वाले बंदों को डराने के लिए। सबसे पहले तो एक स्टॉप ही करके दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं। अरे मैडम हट जाओ थोड़ा सा। और ये मेरा एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉप ही। और इसके बाद बारी आती है व्हीली की। भाई यार व्हीली के बीच में डिस्टरबेंस नहीं ब्रो। तो ये है बहुत ही शानदार व्हीली। और फिर से एक स्टॉप ही करके दिखाता हूँ। ओके देख रहे हो। अबे यार खाली खाली रास्ते पे होगी मस्त वाली स्टॉप ही। ओके नाइस, ये देखो भाई क्या बात है। बहुत तगड़ी तरीके से मैं इस स्पोर्ट्स बाइक का यूज करना सीख गया हूँ और थोड़े बहुत स्टंट भी सीख गया हूँ। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मस्त वाले एकदम स्टंट कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, कोई बढ़िया सी लोकेशन चाहिए जहाँ से मैं ये स्टंट हिट कर सकूँ। कोई छोटा सा रैंप वैम्प टाइप का मिलेगा। एक सेकंड, वहां पर इतनी भीड़ क्यों लगी है यार आज? क्या क्या होता रहता है ये लॉस सैंटोस में? क्या हो गया इधर? आओ आओ हराओ हराओ हमारे पप्पी को और जीतो जीतो पूरे के पूरे 10 करोड़ का इनाम है। 10 करोड़ का इनाम मिलेगा? बिल्कुल, हमारे पप्पी को हराओ और जीतो पूरे 10 करोड़। अरे वाह, इस पप्पी को हराना 10 करोड़। अरे यार ये तो इजी इजी मनी होने वाला है अपने लिए। चलो फिर, देर किस बात की है, मैं तैयार हूँ। देख लो भाई, पक्का पक्का तैयार हूँ मैं। 10 करोड़ पक्का मिलेंगे ना भाई मुझे? बिल्कुल, पप्पी को हराओ और जीतो 10 करोड़। ठीक है, आजा पप्पी भाई। ओके सॉरी, एक सेकंड, आजा पप्पी भाई आजा। अरे यार कहाँ से एंट्री लूँ मैं? अबे रिंग के अंदर एंट्री नहीं मिल रही मेरे को। ओके कोई बात नहीं, हम लोग एंट्री लेंगे। अबे ये कैसी एंट्री थी? रुको गाइस रुको रुको, मैं एकदम शानदार एंट्री लूंगा। ये है मेरी रिंग के अंदर एंट्री। ओके तो एंट्री कर चुका है। क्या नाम बताया तुमने अपना? नाम ही कहाँ बताया अभी तक, मेरा नाम लिखो फ्रैंकलिन। ओके फ्रैंकलिन, तो फ्रैंकलिन लड़ेगा पप्पी से, तो बुलाओ पप्पी को। बुलाना क्या है, आ तो गया है। अरे यार ये रिंग के अंदर कुत्ता कहाँ से घूम रहा है, भगाओ इसे। अबे उसे क्यों भगा रहे हो भाई? अरे तो पहले भगाने दो यार, फिर ही तो पप्पी आएगा। तो ये कौन है? मुझे क्या पता कौन है, इसका नाम पप्पी नहीं है? तुमसे किसने कह दिया कि पप्पी ये है? तो फिर पप्पी कौन है भाई? मैं हूँ पप्पी, मेरा नाम है पप्पी है। अरे तो इससे फाइट नहीं करनी। मैं नाम वापस लेना चाहता हूँ सर। ऐसा अब नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, तुम्हें फाइट तो करनी ही पड़ेगी। अरे लेकिन कोई बात होती है, मुझे तो लगा उस डॉगी से फाइट करनी है। अरे तुम्हें ऐसा किसने कह दिया यार? नहीं तुम पप्पी पप्पी बोल रहे थे, ये डॉगी अंदर था रिंग के, तो मुझे लगा इसी से फाइट करनी होगी। नहीं नहीं, पप्पी तो वो है, उससे फाइट करनी है। डॉगी को हटाओ जरा साइड में। अरे यार मुझे फाइट करनी नहीं है, प्लीज मेरे को छोड़ दो। प्लीज सर प्लीज। हाँ फाइट कर। सर प्लीज छोड़ दो मुझे। अरे यार मेरे को फाइट नहीं करनी है, मैं गलती से फंस गया हूँ उस डॉगी के चक्कर में। सर आप तो समझदार लगते हो सर, मेरी बात सुनो। मैं सर बता रहा हूँ। अरे अरे सर रुक जाओ सर, एक सेकंड मेरी बात सुनो सर। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गलती से फंस गया हूँ यहाँ पे सर। मेरा कोई इरादा ही नहीं था फाइट करने का, मेरे को तो लगा उस डॉगी से फाइट करनी है। सर आप समझने की कोशिश करो सर। अरे सर आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे यार ये बंदा मानता क्यों नहीं है? एक सेकंड सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है सर। और यार रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी मान क्यों नहीं रहा बे? तेरे से सर सर करके बात कर रहा हूँ इज्जत से, समझ में नहीं आ रही है? समझ में नहीं आ रहा तेरे? मैं कह रहा हूँ भाई गलती से रिंग में फंस गया हूँ, मेरे को लगा था उस डॉगी से फाइट करनी है, तू आ गया कहाँ से पता नहीं मुंह उठा के। मुझे क्या पता था तेरा नाम पप्पी है भाई? अरे मान जा यार प्लीज। अरे मेरा नाम वापस ले लो यार। एक तो ये रिंग पता नहीं भाई कैसी रिंग है। अरे नहीं निकल पा रहा मैं। अरे सॉरी सर। अरे मैं बस जाना चाहता हूँ शांति से। अबे तेरी मान जा। अरे यार ये अलग ही पागल हुआ पड़ा है। तो इसी के साथ मैं जीत चुका हूँ और ये हार चुका है। तो आज भी पप्पी भाई साहब को कोई नहीं हरा पाया और कोई नहीं जीत पाया 10 करोड़ का ये चैलेंज। अबे तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं पप्पी के बच्चे। तू गया। मैं काम करता हूँ गाइस, यहाँ से भागता हूँ सबसे पहले। भागो 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 भागो, कम ऑन। एक सेकंड, कैसे कूदूं मैं यहाँ से? ओके नाइस, आ गया बाहर। अब चला मैं सीधे अपने मैजिकल पेंटिंग पैड के पास। पप्पी के बच्चे तुझे तो मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा भाई कि आखिर में मैं हूँ कौन। भाई साहब बहुत बहुत गलत कर दिया। अरे यार हाँ, तो मैं कह रहा था गाइस बहुत ज्यादा गलत कर दिया यार उस बंदे ने मेरे से पंगे लेके। अब देखो मैजिकल पेंटिंग पैड की हेल्प से खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना के आता हूँ मैं, और फिर देखो क्या ही हालत करता हूँ उसकी मैं पप्पी के बच्चे की। अब तो वो पप्पी का बच्चा नहीं बचेगा। कोई बात होती है यार, डॉगी का बच्चा दिखा के भाई पता नहीं कितने मोटे इंसान का बच्चा भेज दिया। कोई सच में बात होती है? ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बेइज्जती हो गई यार मेरी। चलते हैं गाइस घर और लेते हैं अपना बदला। ओके ओके आ गया फाइनली, घर आ चुका हूँ मैं गाइस।
बस बस, अरे रुक जा यार मेरी बाइक। चलो फटाफट से मैजिकल पेंटिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं। बात कर लो, तू वापस आ गया स्पोर्ट्स बाइक टेस्ट करके। तू हट यार चौप। बा हो क्या गया तुझे, स्ट्रॉन्ग बनने दे मुझे। बैक कर लो, हुआ क्या है पहले ये तो बता दे। तो हुआ क्या है बे, मेरी बेइज्जती हो गई है। बेइज्जती कैसे? अबे एक पप्पी नाम का बंदा था। पप्पी नाम का तो डॉगी होता है, बंदा थोड़ी ना होता है। अबे था यार, मेरे को भी लगा डॉगी से फाइट करनी है, मैंने पार्टिसिपेट कर लिया और वो कोई डॉगी नहीं बंदा निकला, वो भी हट्टा कट्टा सा। फिर क्या हुआ बे, फिर क्या धो डाला उसने मुझे। तो तू अब करना क्या चाह रहा है? मैं करना ये चाह रहा हूँ, मैं खुद को स्ट्रांग बना रहा हूँ और मस्त एकदम उसको धूल चटा के आता हूँ मैं। ओहो कलवे, तो इस तरीके से तू ये जीत जाएगा चैलेंज। जो भी हो जाए, मेरे को चैलेंज वैलेंज जीतने से कोई मतलब नहीं है, मेरे को बस उस बंदे को हराना है। तो देखते हैं तू हरा पाता है कि नहीं। हरा तो दूंगा भाई, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। लेट्स गो गाइस, कम ऑन। खुद को मैंने बना लिया है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर की शूज, आई एम रेडी, लेट्स गो। इधर लिख भी देता हूँ मैं स्ट्रॉन्गेस्ट, लेट्स गो। रेडी गाइस, ये हो गए अपने सिक्स पैक्स। रेडी लेट्स गो। रेडी रेडी हूँ मैं। बात कर ले, तू करेगा क्या? तू देखता जा भाई चौक, तू देखता जा बस। अब लेट्स गो गाइस, बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ मैं। और अभी वो गया, वो पप्पी का बच्चा गया। अबे लेकिन ये तो चीटिंग है भाई। किस बात की चीटिंग बे, चीटिंग तो उन लोगों ने मेरे संग की है। उस बंदे को सीधा सीधा बताना नहीं चाहिए था, पप्पी नाम का कोई एक बहुत ही बड़ा वाला बॉडी बिल्डर है, एक डॉगी खड़ा कर रखा था उधर रिंग के अंदर। मैं उसे देख के चला गया यार फाइट करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, फाइट करने चला गया, मान लो मेरी भी गलती उसकी भी गलती। अरे तो जब मैं नाम वापस लेना चाह रहा हूँ, नहीं मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा फाइट में, फिर भी यार लड़ने लग गया वो बॉडी बिल्डर वाला बंदा। इसीलिए उसको सबक सिखाना तो जरूरी है गाइस। फटाफट से चलते हैं अभी बीच पे, जिसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, मैं ऑलरेडी बीच पे पहुंचने वाला हूँ। बस फटाफट से बीच पे चलते हैं और अपना बदला लेते हैं गाइस। भाई साहब बहुत ज्यादा गलत हुआ है यार मेरे संग, मैं जब नाम वापस लेना चाह रहा हूँ तो क्यों नहीं माने भाई बंदे तुम लोग। ओके आ चुका हूँ मैं बीच पे। हेलो सर, मैं वापस से पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये फिर पिटने आ गया लगता है मेरे हाथों। पप्पी के बच्चे पिटने नहीं, मैं पीटने के लिए आया हूँ। ये ले अब बोल। ओ भाई सब दम तो है इस बंदे के अंदर। अब बोलना। निकल गई हवा। ओ नहीं यार, हवा नहीं निकली है। लगता है गाइस इसको अच्छी तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले तो इसे घसीटते हैं बहुत ज्यादा रिंग के अंदर, बहुत बुरी तरीके से। देख भाई तेरे पप्पी की क्या हालत कर रहा हूँ मैं। अरे यार लगता है आज 10 करोड़ जाने वाले हैं। बिल्कुल जाने वाले हैं ब्रो, तेरे आज 10 करोड़ गए, आज ये तेरा पप्पी बचने नहीं वाला है। एक तो तुम लोग भाई चीटिंग करते हो दुनिया भर की, और इसको तुम्हें लग रहा है मैं छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। आज ये पप्पी को पहले तो बीच पे घसीटते हैं गाइस। चलो भाई बहुत ही बुरी तरीके से, लेट्स गो। एंड इस नारियल के पेड़ के ऊपर फेंक के मारते हैं। अरे कहाँ चला गया वो रहा। अब इट्टा पप्पी के बच्चे तू इधर आ है। ये कैसा डॉगी वाला नाम रख रहा है, ऐसा कोई नाम होता है? हैं ये ले तेरे तो आज पटक पटक के मारूंगा। हैं बे तू भी मैनेजर के बच्चे, तू इधर आ। ये ले और तू आबे। लड़ना था मैं तो, हालत खराब हो गई। लड़ आजा रिंग के अंदर, नहीं रिंग के बाहर लड़ आ जाता मैं तो। देख लोग अभी भी चीयर्स कर रहे हैं। लड़ कहाँ गया वो, कहाँ बच के जा रहा है तू? तुझे क्या लग रहा है भाग लेगा? आजा दम है तू। पीट बस मार मुक्का। अरे मुक्के बरसा भाई। ओके बहुत ही बढ़िया। अरे वाह क्या पीट रहा है ये बंदा मेरे को। अब तुझे मैं बताता हूँ पीटना किसे कहते हैं। लेट्स गो गाइस, और ये जमीन के अंदर फेंक दिया भाई, पता नहीं कहाँ फेंक दिया, लेकिन मैंने कहीं तो फेंक दिया उसे। ओके और आई गेस इस बंदे का काम हो गया तमाम, और निकल गई इसकी चटनी। अब बोलना फालतू। वेट, अबे फिर उठ के आ गया ये। अबे कितनी जान है यार इस बंदे के अंदर, कब से पीट रहा हूँ ये तो मान ही नहीं रहा भाई। भाई बॉडी बिल्डर तो पावरफुल है ये, भले ही पप्पी नाम हो इसका, लेकिन पप्पी जैसी हरकतें नहीं है इसकी बिल्कुल भी। बहुत पावरफुल है यार ये बंदा, कब से पीट रहा हूँ, इतनी देर तक झेल गई ये मेरी पिटाई, मान जाना पड़ेगा इस बंदे को। देखो इतनी हाइट से मैंने फेंका, देखो फिर भी लड़ने के लिए तैयार है। क्या बात है भाई, बंदा तो पावरफुल है सीरियसली। ये देखो मेरे पंचेस कितनी आराम से सह रहा है ये। ओह तेरे पास भी कोई सुपर पावर्स है क्या यार? भाई बंदा लिटरली में पावरफुल है। ओके इसको रुक जाओ, बहुत ज्यादा आसमान में फेंकता हूँ आपकी मैं। ये फेंका बहुत ज्यादा दूर, सीधे बिल्डिंग के ऊपर ही गिरेगा ये आई गेस। कहाँ पर गिरा ये पप्पी का बच्चा, कहाँ गिरा? कहाँ गिर गया वो भाई? ये रहा ये। अबे तू क्या है बे, तू टपकता क्यों नहीं है? अरे एटलीस्ट बेहोश तो हो जा, कब से तुझे पीट रहा हूँ मैं। कोई बात होती है भाई, ये बंदा कितना पावरफुल है। एक बार तो ऐसा लगा पूरा बेहोश हो गया, लेकिन फिर उठ के आ गया यार मेरे को पीटने के लिए।
फाइनली अब जाके इसका चैप्टर क्लोज किया है, नहीं किया है भाई। ये क्या है, ये क्या बंदा है भाई, ये लिटरली मैं बहुत पावरफुल बंदा है। पप्पी भले ही नाम है इसका लेकिन पावर बहुत है इस बंदे के अंदर। अभी भी ओके फाइनली अब गया। नहीं हेल्थ ये तो रही इसकी, जान तो है यार इस बंदे के अंदर, पता नहीं क्या खाता पीता है ये। ओके फेंका इसे इधर। हेलो भाई साहब, आपके ऊपर फेंकता हूँ मैं ये फिर से। ओके ये मैनेजर तो बेहोश हो गया उस वक्त ही, ये पप्पी बेहोश नहीं हो रहा। रुको भाई, फुटबॉल खेलता हूँ मैं इससे फुटबॉल। ओके ये ले। फाइनली पप्पी का काम तमाम कर दिया है मैंने, बेहोश हुआ है अभी तक ये। पता नहीं क्या ही कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है ये, पर जो भी हो मेरे को तो भाई अपना बदला लेना था। डॉगी दिखा के भाई पीटने के लिए भेज दिया इस बॉडी बिल्डर के सामने, और ये भी बॉडी बिल्डर एक नंबर का नालायक भाई, मेरे से लड़के ही माना। पर जो भी हो फिलहाल तो गाइस तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और क्या बोल दो तुम लोग गाइस, मुझे क्या इस पप्पी नाम के बॉडी बिल्डर के साथ दो दो हाथ करने चाहिए बिना पावर्स का यूज किए। मैं फुल तैयारी व्यारी करके आऊंगा इसके सामने, तुम लोग बताओ जाकर गाइस कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।